ज्येष्ठ वार्ड एवं बरसेनी वार्ड के जिला परिषद उम्मीदवारों के साथ कुछ खास बातचीत। शुभकामनाएं देंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आज लोग उत्साह दिखा रहे हैं, जो इनके प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इनको भारी समर्थन मिलेगा और ये वोटों में तब्दील होगा। तो यही हम इनके लिए कामना करते हैं। और आपके जितने भी जो आपके ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सबको मैं नए साल की नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। देखने में आया कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत सारे जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जो है कांग्रेस के ही लोग बागी होकर खड़े हुए हैं, तो क्या इस तरह कांग्रेस की जीत हो पाएगी? जैसे चैनी वार्ड में है और धावगी वार्ड में भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं वो जो है अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात तो है ये लोकल चुनाव, पार्टी इसमें समर्थन जरूर देती है, मगर अंततः ये है एक आपके लोकल पंचायती लेवल के चुनाव। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि निर्दलीय भी कोई लड़ रहा है, हम फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज कल परसों मैं जानता हूँ बिल्कुल अंत समय है, पर हम फिर भी कोशिश करें। नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल का भी टाइम है, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में ही अगर कोई निर्दलीय भी खड़ा है तो उनसे विनती करके, क्योंकि हमारी पार्टी से ही है, हमारी बेगानी नहीं है, हमारी पार्टी से ही है, उनको प्यार से और सहयोग से उनको हम अपने पक्ष में, जो पार्टी का समर्थित उम्मीदवार है उसके पक्ष में हम उनको बिठाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। क्या रणनीति है वहाँ, मतलब पूरे बंजार विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेंगे? तो हमारे बीच में अभी बैठक हुई है, 2 तारीख को जो लास्ट डेट हमारे नामांकन की है, उसके बाद हर प्रत्याशी के साथ अलग से बैठ के रणनीति बनाई जाएगी। बीसीसी के जितने पदाधिकारी हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी है उनकी वार्ड वाइज ड्यूटी लगानी निश्चित हुई है, जिसमें कैंडिडेट का रोल ज़्यादा रहेगा। और हम, मैं और आदित्य जी, पूरा जोर आज आप देख रहे हैं, पूरा ज्येष्ठ वार्ड आज संगठित होकर पूर्व देवी जी के पक्ष में आज उतरा है। और पिछले 5 दिन में हमने 3-4 पंचायतें इकट्ठी घूमी हैं। हम ये भी जानते हैं कि कई जगह जो आपकी जैसे बात की, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, वो भी हमारे अपने हैं, इन्हीं कारणों से दोनों पार्टी में निर्दलीय उड़ रहे हैं। लेकिन नॉमिनेशन जब तक वापस नहीं होते तब तक प्रयास जारी रहेंगे, जैसे आदित्य जी ने कहा प्रयास जारी है, संपर्क में हम सबके साथ हैं, जैसा निर्णय होगा आपके सामने समक्ष रहेगा। आज आपने नामांकन पत्र भरा है, ऐसे में बात करें तो कौन से वार्ड से आपने नामांकन पत्र भरा है, क्या कुछ उस वार्ड की समस्याएं हैं जिन पर जो है आप जो कोशिश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें वहां से आपको है? मैं यौवन लता, मैंने बरसेनी वार्ड नंबर 3 से आज नामांकन भरा है और मैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हूँ। मेरी सबसे पहले ये कोशिश रहेगी सबका साथ और सबका विकास हो, और मैं अपनी जिम्मेवारियों का अच्छे से निर्वहन करूंगी। मैं लोगों से आशा करती हूं कि मुझे भरपूर सहयोग और प्यार दें। और क्या कुछ उस एरिया में अगर बात करते हैं, सबसे पहले आप वहां पर बीडीसी भी रहे हैं, सबसे बुरी हालत तो हमारे वहां रोड की है और पानी से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है,
मैं सभी प्रकार की मूलभूत जो भी है लोगों की सुविधा उनका अच्छे से मतलब निभाऊंगी। क्या लग रहा है आपको, लग रहा है कि जिस तरह से पर्यटन नगरी जो है वो पूरी आपके घाटी है मनगढ़ घाटी, ऐसे में अभी भी बहुत सारे काम काज है वहाँ पर, लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों की क्या काम काज है वहाँ उस एरिया में जो होने चाहिए आने वाले समय में, और किस तरह की समस्याएं वहाँ पर है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रॉब्लम है, पर्यटन से रिलेटेड हमारे रोड की बहुत बुरी हालत है। आजकल जब भी हम देखते हैं तो बहुत सारा जाम लगता है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। उसके बावजूद पर्यटन के लिए जैसे नेचर पार्क वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, पार्किंग वगैरह की सुविधा हो। जैसे पर्यटन आते हैं तो पार्किंग की सुविधा नहीं होती है, तो वो जगह जगह जाम और गाड़ियां लगा देते हैं, तो लोगों को बहुत सारी परेशानी आती है। सबसे पहले रोड, उसके बाद जो पर्यटन से रिलेटेड जो भी है। स्थानीय लोगों की क्या समस्या है जिन पर काम किया जाएगा, ऐसे में अगर बात करें तो क्या समस्या स्थानीय तौर पर? लिंक रोड, हर जगह रोड होने चाहिए जी, लिंक रोड जो है हर गांव में होने चाहिए, हर गांव को जिक्र करो पूरा जी। बरसैनी वार्ड में जो भी हाइट के गांव है, जैसे हमारा रसोल हुआ, गार्डी ब्रवना है और ग्रहण है, और भी जो रोड से वंचित बचे हुए हैं उनमें लिंक रोड बनाए जाएं और लोगों को मतलब रोजगार का रोजगार भी मिलना चाहिए। तो ये चुनावों का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या किस तरह से जो है प्रयास किया जा रहा है एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? मैं किशन ठाकुर, सूरत जिला परिषद बरसैनी वार्ड से। आज श्रीमती यौवन लता जी ने बरसैनी वार्ड नंबर 3 से अपनी उम्मीदवारी जताई है, और यौवन लता जी हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। आज हमारे इलाके में जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो उसका सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो सड़क सुविधा होगी, पानी की समस्या होगी, रोजगार की समस्या होगी, उसके पश्चात जो हमारे स्वास्थ्य सुविधा हैं उसके ऊपर चर्चा होगी, और पूरे इलाके को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी समस्या आ रही है, जैसे पार्किंग समस्या है, मक डंपिंग की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। इन सब समस्याओं का हल हमें जो है निकालना पड़ेगा, और इन मुद्दों पर आज इलेक्शन लड़ा जाएगा। आज कोई वो मुद्दा नहीं होगा कि वार्ड में जो है वो इलेक्शन खड़ा हो गया, आज इसमें कोई भाई भतीजा बात की बात नहीं होगी, ना कोई नाता रिश्ते बात की बात नहीं होगी। जो आज उम्मीदवार इन मुद्दों पे काम करना चाहेगा, जैसे हमारे बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र हैं जो सड़क सुविधा से अभी नहीं जुड़े हैं, उनमें सड़क पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी जो है वो हमारे MLA श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी ने काफ़ी कोशिश की है कि नवार से जो है वो पैसा दिला रहे हैं, और प्रधानमंत्री सड़क योजना से MLA फंड से सड़कों को बनाया जा रहा है, कईयों की DPR तैयार हो गई है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है, जिसमें रसोल का रोड है और जरी ब्रादा शंक्चन रोड, जिसके लिए जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा दूसरे मेटल करने के लिए MLA साहब ने पूरी कोशिश करके जो है वो वहाँ के लिए पैसा मुहैया कराया है, और जल्दी से जल्दी वो सड़क भी पूरी तैयार हो चुकी है। और मैं यौवन लता जी से और हमारे जितने भी वर्कर बैठे हैं, हमारे प्रधान जी कांग्रेस पार्टी के, हम सब मिलके एकजुट हो करके बरसैनी बाढ़ से, जो कि हमारा तुलगा पुलगा तोस नखथान से लेकर जिया तक आता है, काफी बड़ा बाढ़ है, इसमें जो है हम पूर्ण संपूर्ण इसका विकास करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे, और हम इनसे अनुरोध करेंगे कि ये जब भी जो है वो पार्टी अपना यहाँ से विजयी होंगे और इलाके की समस्या के लिए ये भरपूर जो है आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो जिला परिषद बरसैनी वार्ड के सभी जनता को मेरी ओर से नमस्कार। मेरा लक्ष्य है कि समाज सेवा करना, मैं जो भी रोजमर्रा की जनता के प्रति समस्या है मैं उनको सुलझाने की भरपूर प्रयासरत रहूंगी, और जनता की निष्पक्ष भाव से अपनी सेवाएं दूंगी। अभी भी मैं पंचायत प्रधान पद से अपनी सेवाएं देकर आई हूँ, तो मेरा ऐसा कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा सबको समानता की दृष्टि से और प्यार दिया है सभी को, अपनी जनता को। तो कौन अपना है, पराया है, कौन वोटर है, सपोर्टर है, मेरे लिए ये चीज़ कोई वो नहीं। मैंने क्या करना है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे जो कार्यकाल में बहुत अच्छा है, बिजली, पानी, सड़क वो अन्य इससे रिलेटेड स्कूल पक्ष भाव से अपनी सेवाएं दूंगी। पहले भी मैं अपनी सेवाएं पंचायत से
तो ऐसे हमारे हरशोल पीणी हुआ हमारे ग्रहण ग्रहण है नखथान है जो हमारे ऐसे ही एक गांव है। तो मैं मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जनता की सेवा के लिए मैं जनता के प्रति प्रयासरत रहूंगी, जनता के हित के लिए लड़ूंगी, जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगी। ये मैसेज मेरी जिस तरह से देखा जा रहा है मणिकर्ण में स्वास्थ्य मौसम है मणिकर्ण घाटी में तो सड़क की बहुत प्रॉब्लम है, इसके लिए जनता के लिए आगे तक लड़ेंगे, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। अभी प्रचार की बात करें तो अभी कितने पंचायतों में आप गए हैं, अभी दौरा हो चुका है या अभी होने वाला है? अभी हमने दौरा उतना नहीं किया हुआ है, लेकिन अपने दोस्त और रिश्तेदारों ने अपना छिड़ा हुआ कार्यक्रम, इसलिए हम अभी से कल से शुरू करेंगे प्रचार। और हमने जनता का प्यार पाया हुआ तक और आगे भी जनता के प्यार से ही और आशीर्वाद लेके जिला परिषद की उस उम्मीदवारी के लिए दावा कर रहे हैं। जनता का प्यार मिला, सेवा करेंगे और हम चाहते हैं कि जनता हमारी आवाज़ को सुने और हमें मौका दे। धन्यवाद।